भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा T20 सीरीज के मैच के दौरान एक तस्वीर आपका ध्यान जरूर खींचती होगी। तस्वीर इंग्लैंड के कप्तान यॉन मॉर्गन की, जो फील्डिंग के दौरान सिर पर दो टोपी लगाकर अक्सर देखे जा सकते हैं। ऐसे में जबकि सभी खिलाड़ी सिर पर एक टोपी पहनकर मैदान पर उतरते हैं, तो कप्तान के सिर पर सभी दो टोपियां हैरान तो करेंगी, मगर इसका जवाब काफी गंभीर है। वो इसलिए क्योंकि ये मामला जुड़ा है कोरोना वायरस संक्रमण से, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मॉर्गन सिर पर दो टोपी पहनकर फील्डिंग और कप्तानी करते नजर आते हैं। दरअसल कोविड-19 के कारण क्रिकेट की दुनिया के भी कुछ नियम बदले गए हैं। इसमें एक नियम ये भी है कि अब खिलाड़ी अंपायर को अपना कोई सामान पकड़ने के लिए नहीं देंगे। यही वजह है कि मॉर्गन ये अंदाज सामने आता है। कोविड-19 के सामने आने से पहले खिलाड़ी अपनी टोपी अंपायर को पकड़ा कर गेंदबाजी करने जाते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ICC प्रोटोकॉल के तहत अब खिलाड़ी अंपायर को अपना कोई भी सामान नहीं दे सकते हैं। इसमें टोपी, चश्मा या टॉवल सभी को शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड-19 नियमों के तहत गैर जरूरी संपर्क से बचने की बात कही गई है। यही वजह है कि कोरोना काल में ये हो रहे मुकाबले में खिलाड़ी अपने सामान के स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। यही वजह है कि जब भी इंग्लैंड का कोई गेंदबाज अपने ओवर फेंकने आता है, तो कप्तान मॉर्गन उसकी टोपी पहन लेते हैं। ओवर खत्म करने के बाद वो खिलाड़ी मॉर्गन से टोपी वापस ले लेता है और फिर किसी दूसरे गेंदबाज की टोपी इंग्लैंड के कप्तान के सिर पर सज जाती है। हालांकि अन्य टीमों के कप्तान ऐसा करते नहीं दिखते हैं, लेकिन मॉर्गन इंडियन प्रीमियर लीग में भी ये काम कर चुके हैं। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यॉन मॉर्गन को दुबई में हुए IPL के 13वें सीजन में दो टोपी के साथ मैदान पर देखा गया था।